लोग बहुत परेशान और त्रस्त थे। इसके बाद कलेक्टर साहब ने वादा किया था कि 4 तारीख का लॉकडाउन हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और 5 तारीख से पूरी छूट देने का वादा करने के बावजूद फिर से 4 तारीख को राज्य सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगा रहे, ब्रेक द चैन बोल के कड़क निर्बंध है ऐसा बोलकर लोगों को कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन पीठ में खंजर मारने का काम राज्य सरकार ने किया है और पूरे महाराष्ट्र को लॉकडाउन के नियम में बंद करने का ये पाप राज्य सरकार करी। एक तरफ लोग मर रहे हैं, उनको अस्पताल चाहिए, ऑक्सीजन के बेड चाहिए, ICU के बेड चाहिए, इंजेक्शन तक नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, इंजेक्शन के लोग दर बदर भटक रहे, अस्पताल में भर्ती पेशेंट के रिश्तेदार सारा सारा दिन पूरा शहर भर भटक के उनको रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन नहीं दे पा रहे और दूसरी तरफ ये पूरे व्यापारियों को बंद करके आर्थिक नाड़ी भी तोड़ रहे हैं। अरे एक नाड़े से लेकर ट्रक और ट्रैक्टर तक, छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों के लिए भीम जयंती हो, रमजान का महीना हो या फिर पाड़वे का एक औचित्य होता है कि बड़े बड़े कारोबार सुनार ये सारे लोगों के कपड़ों के व्यापारी ये सबों को भूखा मारने का प्रोग्राम है। अरे एक तरफ आरोग्य सुविधा दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो लोगों को अपने अपने कारोबार अपने रिस्क पर करने दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है सबको दुकान खोलो बोलने की, जो दुकानदार अपने मर्जी से दुकान खोलना चाहता है, जो ग्राहक अपने मर्जी से वो दुकान पर जाना चाहता है उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए और उनको पूरी आज़ादी देनी चाहिए। 10 तारीख तक कलेक्टर साहब वैक्सीन का प्रोग्राम चलाएं। हम भी नांदेड़ की आवाम को अपील कर रहे हैं, 45 साल से ज़्यादा उम्र के अपने परिवार में कोई है तो बिल्कुल उनकी वैक्सीन कराइए। आपको इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकार के वैक्सीन के प्रोसीजर को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, लेकिन 11 तारीख से कारोबार को खोलने के लिए कलेक्टर साहब ने मुभा देनी चाहिए, सहूलत देनी चाहिए, 4-6 घंटे का 10 घंटे का वक्त देना चाहिए। अगर ये नहीं दिया गया 10 तारीख तक तो 11 तारीख को वंचित बहुजन आघाड़ी के आगे बढ़ते हुए सभी व्यापारी संगठन, सभी व्यापारी दुकानदार गाड़े वाले इनको साथ में लेकर 11 तारीख को ब्रेक द लॉकडाउन नाम से इंशाल्लाह ITI से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक एक महामोर्चा हम निकालेंगे। कलेक्टर साहब ने क्लियर कह दिया था कि 4 तारीख तक है, मुझे कहना है कि औरंगाबाद में भी 10 दिन का लॉकडाउन हो चुका है, पहला परभनी में हो चुका है, हिंगोली में हो चुका है, नांदेड़ में हो चुका है, जिन जिलों में पहले ही लॉकडाउन करके स्थिति को नियंत्रण में कंट्रोल में ला लिया गया है और ये खुद सुविधा नहीं दे पा रहे उन जिलों पर तो भी ये लॉकडाउन लागू नहीं होना चाहिए था। आज मैं पूछना चाहता हूँ 36 में कितने ज़िले बंद हैं, क्यों आप उन जिलों के ऊपर सभी जिलों के ऊपर तकलीफ दे रहे हैं? 10 दिन का जिन्होंने लॉकडाउन किया था उन लोगों को कम से कम सुबह 10 से शाम में 6 बजे तक तो सुविधा दो। लोग खुश हो गए थे कि सुबह 7 से शाम 8 बजे तक कारोबार खुले, रात में 8 से कर्फ्यू लगाओ, कौन मना किया? किसी ने विरोध नहीं किया। फिर अब ये नाटक क्या है? अभी कह रहे हो 7 से 8 बजे तक हमका चालू है, 8 से बाद में यह ढिमका चालू है। अरे कहाँ का कौन सा नियम है? आप बोलिए मेडिकल दवाखाने तो 24 घंटे चालू रह सकते हैं ना, ग्रोसरी के दुकान वगैरह, गार्डन को छूट दी इन्होंने, सुबह 7 से शाम 8 बजे तक गार्डन चालू रहेंगे। अरे लोगों के पेट में रोजी रोटी नहीं रहेगी, जेब में पैसा नहीं रहेगा, गार्डन में जाके क्या कोरोना का भजन गाएंगे क्या? वहाँ पर कोरोना के गीत गाएंगे क्या? गार्डन की जरूरत किसको थी यहाँ पर? ये व्यवस्था, ये सिस्टम, सरकार कंफ्यूज है, सरकार नाकाम है, सरकार नाकाम हो चुकी है, पगला गई है, उसको सुधर नहीं रहा है, क्या करना है? लोगों को मरने से बचाने के लिए तिजोरी खोलकर लुटाना चाहिए डॉक्टरों के ऊपर, दवाखानों के ऊपर। ये बोल रहे डॉक्टर कहाँ से लो, अरे देखो महानगर पालिका की भर्ती में 200-400 लोगों की भीड़ आ गई थी 26 जगह के लिए। आप नौकरी अच्छी दो, सैलरी अच्छी दो, परमानेंट नौकरी का उनको वादा करो, आपको एक से बढ़कर एक डॉक्टर, नर्सेस, ANM दुनिया के भय बहुजन वर्ग के जो जान को नहीं डरते हैं लेकिन खिदमत के लिए आ जाएंगे, या अपनी कमियां छुपाने के लिए आपको कौन रहे हैं? इसलिए जिनको अपनी मर्जी से खोलना है उनको खोलने की छूट 11 तारीख तक नहीं मिली तो 11 तारीख को मोर्चा निकाल कर ये लॉकडाउन तोड़ने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी।